नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर आईएसएल गेम बिटवीन जमशेदपुर एफसी एंड केरला ब्लास्टर्स, जो आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, दोनों ही कॉन्ट्राडिक पोजिशन पे है टीम्स, जहां जमशेदपुर 5th पोजिशन पे है एंड केरला ब्लास्टर 10th पोजिशन पे है। दोनों टीम्स ने 9 और 9 गेम्स खेली है, जिसमें जमशेदपुर ने 3 गेम जीती है, 4 गेम ड्रॉ करी है एंड 2 गेम हारी है। केरला ब्लास्टर्स ने एक ही गेम जीती है 9 गेम में से, 3 गेम ड्रॉ करी है एंड 5 गेम हारी है। रिसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें दोस्तों, तो जमशेदपुर एफसी ने लास्ट 5 गेम्स में 2 गेम्स ड्रॉ करी है, 2 गेम जीती है एंड 1 गेम हारी है। वो काफी बैलेंस टीम रही है दोस्तों, जहां उनका डिफेंस एंड अटैक दोनों ही काफी बैलेंस रहा है। मिडफील्ड भी काफी अच्छा रहा है, जिसके कारण उन्होंने लास्ट 5 गेम्स में 4 गोल स्कोर करे है। केरला ब्लास्टर्स की बात करें तो उन्होंने लास्ट 5 गेम्स में 3 गेम हारी है, 1 गेम ड्रॉ करी है एंड 1 ही गेम जीती है। उनका डिफेंस बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट है उनका, जिसके कारण उन्होंने मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स कंसीड किए ये सीजन में। उन्होंने 17 गोल्स कंसीड किए 9 गेम्स में। उनका अटैक भी इतना कुछ खास नहीं है, जिसके कारण उन्होंने सिर्फ 10 ही गोल स्कोर कर पाए हैं 9 गेम्स में। जैसे हमने कहा दोस्तों, उनका डिफेंस वीक है, जिसके कारण उन्होंने लास्ट 5 गेम्स में 11 गोल्स कंसीड कर चुके हैं। की स्टैट्स की बात करें दोस्तों, तो दोनों टीम्स 6 बार मिल चुकी है, जहां पे जमशेदपुर ने 2 गेम जीती है, केरला ने अभी तक एक भी गेम नहीं जीती है जमशेदपुर के सामने, और 4 गेम्स ड्रॉ हुई है। दोस्तों जमशेदपुर ने 2 गोल स्कोर करे हैं, एटलीस्ट 2 गोल तो स्कोर करे ही करे हैं 4 आउट ऑफ 5 ISL गेम में केरला ब्लास्टर्स के सामने। केरला ब्लास्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही वीक रहा है ये सीजन में, जिसके कारण उन्होंने सिर्फ एक ही गेम जीती है लास्ट 10 ISL गेम्स में से। दोस्तों आपको ऐसे स्टैट्स एंड एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और याद रखिए दोस्तों, अगर अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज से लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल पे, बिकॉज आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें काफी मोटिवेशन मिल जाता है। एक्सपेक्टेड 11 की बात करें तो दोस्तों एज सच कोई चेंजेस नहीं रहने वाले दोनों टीम की साइड से। की प्लेयर्स की बात करें तो दोस्तों जमशेदपुर की साइड से वाल्सकेस, ईज एंड मॉनरल हमारे टॉप पिक्स है। जब वाल्सकेस ने 6 गोल स्कोर करे, ईज ने 3 गोल स्कोर करे एंड मॉनरॉय ने 2 असिस्ट दिया है। केरला ब्लास्टर के साइड से दोस्तों मुरे एंड राहुल केपी हमारे टॉप पिक्स है, जहां मुरे ने 3 गोल स्कोर करे एंड 1 असिस्ट दिया है। राहुल केपी भले ही स्कोर शीट पे नहीं दिख रहे, लेकिन दोस्तों मिडफील्ड में थ्रू बॉल्स, इंटरसेप्शन, की पासिस के पॉइंट्स दे सकते हैं। सजेस्टेड ड्रीम इलेवन की बात करें तो दोस्तों फॉरवर्ड्स में मुरे एंड वाल्सकिस हमारे टॉप पिक्स है, जहां पे वाल्सकिस ने काफी उमदा परफॉर्मेंस दिया है ये सीजन में, जहां उन्होंने 6 गोल स्कोर करे हैं। इसलिए वो हमारे कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप पिक्स भी हो जाते हैं। दोस्तों केरला ब्लास्टर की साइड से मुरे, जो उनके एक ही अच्छे प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो चांसेस क्रिएट करते हैं, गोल्स भी स्कोर करते हैं, उनका लिंकअप अच्छा है गोमेज के साथ, जिसके कारण वो उन्होंने 3 गोल्स भी स्कोर कर रहे हैं अभी तक। लास्ट गेम में उन्होंने काफी उमदा परफॉर्मेंस दिया था, जिसके कारण वो हमारे कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप पिक्स भी है। मिडफील्ड की बात करें दोस्तों तो राहुल केपी, गोमेज, मॉनरॉय एंड जय सिंह हमारे टॉप मिडफील्डर्स है, जहां राहुल केपी एंड मॉनरॉय हमारे कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप पिक्स भी हो जाते हैं। यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि ये हमारे टॉप पिक्स क्यों है एंड ये हमारे कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप पिक्स में भी क्यों आते हैं, तो हमारा की प्लस सेक्शन एंड प्रीव्यू में जाके आप देख सकते हैं। डिफेंस की बात करें दोस्तों तो कार्नी, आरेंटली, हार्टली एंड ईज हमारे टॉप डिफेंडर्स है एंड गोमेज हमारे टॉप गोलकीपर है, जहाँ पे ईज ने हमें ईज को हमने कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप पिक्स में भी रखा है। तो जमशेदपुर के साइड से ईज एंड हार्टली का काफी अच्छा लिंकअप होता है, यूजुअली वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफी इंटरसेप्शन रोकते हैं, सो वी एक्सपेक्ट देम टू कंटिन्यू विद द सेम परफॉर्मेंस इन दिस गेम। केरला ब्लास्टर की साइड से दोस्तों उनके जो मेन सेंटर बैक्स थे नॉमिनोज एंड कोने, उन्होंने ही खेल रहे हैं ये गेम, और उसके कारण उनका डिफेंस और ज्यादा वीक हो गया है। दोस्तों केरला ने लास्ट गेम 3 दिन पहले खेला था, तो थोड़ा टायर्डनेस हम देख सकते हैं उनके प्लेयर्स में। जमशेदपुर ने अपना लास्ट गेम लास्ट ईयर खेला था और ये उनका फर्स्ट गेम होगा न्यू न्यू ईयर स्टार्ट होने से, तो उन प्लेयर्स को काफी रेस्ट मिल गया है, तो वी होप कि उनका परफॉर्मेंस काफी बेटर होगा। हम ये गेम में क्लीन शीट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सो वी आर गोइंग विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-1 इन फेवर ऑफ जमशेदपुर। अगर दोस्तों आप क्यूरियस है ये जानने के लिए कि हमारी स्कोर लाइन ये क्यों है, तो हमारे रिसेंट परफॉर्मेंस सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है इस गेम की स्कोर लाइन क्या हो सकती है। मोटा मोटा दोस्तों ये हमारी टीम है, जैसा हम हमेशा कहते हैं ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, ये हमारी सैंपल टीम है, सो
तो इसको फाइनल टीम मत मानेगा, बिकॉज जब लाइनअप आती है तो कुछ प्लेयर्स नहीं खेलते और कुछ न्यू प्लेयर्स भी ऐड हो जाते हैं। सो डू वॉच आउट फॉर आर फाइनल टीम ऑन टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां आपको टीम गेम स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले मिल जाएगी विद आवर एक्सपर्ट एनालिसिस। और अगर दोस्तों अगर अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज से लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट एक फन एलिमेंट है एंड उसे उसी की तरह ट्रीट करिए और रिस्पॉन्सिबली खेलिए, बिकॉज इसमें फाइनेंशियल रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है। सो ध्यान से खेलिएगा एंड अपना ध्यान रखिएगा। जल्द मिलते हैं किसी और फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल वीडियो में। धन्यवाद।